आज अपनी 22nd मे एंड अभी 1:30 बज रहे हैं। आज संडे था तब तुम्हें पता ही है, जब मंडे से सैटरडे बंदा काम करता है संडे उसको चाहिए होता है लेट उठने के लिए। तो भाई मैं लेट उठा हूँ अभी, जस्ट नहा के देख लो। एंड अभी यार देखते हैं क्या सीन है आज का। आज पूरे दिन रेस्ट होगा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। एंड मैंने बालों में हाथ लगा ही लिया, तो भाई ये देख लो उस दिन बाल क्या थे और आज बाल क्या है, तो समझ गए ना भाई। इस बार भी वो बोल रहा था कि भाई बढ़िया होंगे भैया इस बार भाई। उसने तुम्हें एक बात बता दो यार, देखो वैसे मैं अपने बालों में कभी हेयर ड्रायर नहीं लगवाता क्योंकि मुझे बहुत डर है अपने बालों का। यार उस बंदे ने हेयर ड्रायर से पूरा सेट करके वो कंघी में ऐसे लगा के पूरा हेयर ड्रायर से वो जलाते नहीं बाल, ऐसे करके पूरे स्पाइक्स बनाते। याद है मैंने ब्लॉग में दिखाया था जो आउटकम था मेरे बाल कटवाने का। यार उस दिन से बढ़िया लग रहा था, पूरे ख़राब हो गए। खैर कोई नहीं, बाल है तो ऐसे ही है। यहाँ क्या बन रहा है आज? हाँ। बन रही है इडली सांभर, हमारे यहाँ का फेवरेट। चटनी है चटनी फ्रिज में भाई, चटनी अभी भी कहाँ पर है, हम नारियल लेकर आए अभी। ओहो दही कहाँ से आ गया? दही नहीं है, चटनी चटनी बन गई भाई, इडली बन गई। यहाँ अब आ रहे हैं तो हेलो भाई, अपना खाना तो हो गया थोड़ा। यहाँ पर अपनी कौओं की पार्टी वार्टी कर देते हैं, क्या कहते हो? डाल देते हैं। आ आ आ आ आ आ पानी भर दिया भाई। अन्नी नमस्ते, कैसे हैं? तो भाई तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम मैं एग्ज़ाम देने वाला था म्यूज़िक का, तो आज हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारे साथ। तो मम्मी ने भी ऐसी बात बोली, मम्मी ने बोला कि तू भी इस बार ही दे दे क्योंकि लास्ट टाइम तू दे रहा था। याद है मैंने दिया नहीं था तो अभी अब क्या कह रहे थे इसके लिए मैंने कैमरा खोला ही बताऊँ। मैंने कहा तू इस बार एग्ज़ाम दे दे, बाकी चीटिंग मैं करा दूँ। क्या बोला था मैम ने भी? अबे क्या हो गया तुम्हें, इतनी गंदी शक्लें हैं तुम्हारी, मानते हो ना? मानते हो ना? अनन्या तो मानती है। तो भाई मम्मी बोल रही है मैं खुद चीटिंग करूंगी, टेंशन की दे रहे हैं। अच्छा, तरीके बताओ चीटिंग करवाऊंगी, नहीं तरीके बताऊंगी। मैं नहीं करूंगी चीटिंग। ओके ये क्या बच्चे क्या कर रहे हो? अरे चलो बंद है बंद है, बंद कर दिया। ये देख गिरा मेरा हाथ। अबे क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? तो क्या है तो देख के बता दे रहा हूं। अच्छा रख दिया, रख दिया, चलो तराना। तो गाइस हम अभी तराने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार मुझे जाना है जल्दी कर रहा है। यार मैं मीट में एंट्री करके तो गया था। शुट 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 कीप वेटिंग। बहुत टाइम से अपना म्यूजिक का सीन होना था एंड मैं भी यार थोड़ा बिजी हो गया था, फिर मैंने सोचा यार एक साथ ही कुछ बढ़िया मैं सेटअप करके मनाऊंगा। तो यार मैं ना अपना जब बीबीए में फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं आई वाज द मिस्टर फ्रेशर अपने कॉलेज का। तो उस टाइम ना मैंने एक गाना गाया था एक अजनबी हसीना से, अपना किशोर कुमार का गाना। एंड हम सीबी में गए थे MTV फ्लिप, वो ना दैट सॉन्ग वाज स्ट्राइकिंग ऑन माय माइंड। तो मैंने सोचा यार एक ना उसकी वीडियो बनाऊँ और आई शुड रिक्रिएट माई मेमोरीज। देखो अब मैंने गाना याद करा नहीं है तो बीच बीच में आऊँ करूँ तो समझ लेना, बट या दिस वॉज अ सॉन्ग एंड यस लेट्स ट्राई इट वंस मोर। आई थिंक मेरे पास वीडियो भी पड़ी है इसकी, तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा ठीक है अपने फ्रेशर्स की। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने।
से चांद चेहरे पे ज़ुल्फ़े बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हया हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। तो भाई आफ्टर सच लॉन्ग आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग। और ये बहुत अच्छा गाना है यार, देखो किशोर कुमार का गाना है एंड इतना चला, इसके इतने रीमेक हुए हैं, बट दिस सॉन्ग वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई आज सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, 5:30 बजे से बारिश हो रही है। 5:30 बजे से बारिश हो रही है यार, बट बारिश की वजह से एक दिक्कत हो गई भाई, अपनी लाइट चली गई सुबह से, मतलब सिर्फ हमारे फ्लोर की लाइट गई है, हमारे सामने वाला जो बिजली का खंभा है भैया काम कर रहे हैं, इधर सुबह स्पार्क हुआ एंड सुबह से यार लाइट नहीं आ रही। अरे भैया यार, भाई साहब यार, बड़ा डेयरिंग काम है यार ये, ऐसे काम करना यार, ऊपर चढ़ना और फिर ये बिजली की तारे वारे पकड़ना, बहुत डेयरिंग काम है। यहाँ से ऊपर पहुँच गए भैया, जस्ट कम्प्लीटेड माई पूजा और अभी 1:30 बजे कोई पूजा का टाइम है नहीं, बट थोड़ा इंटर्नशिप के चक्कर में फिर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो मैं लेट शुरू करा, मेरे कॉल्स वॉल्स जो थी वो कम हुई। एनीवे यार अभी ना एक दो दिन के लिए मम्मी पापा गए हुए हैं तो हमें ही सारा खाना वाना खुद करना है। कल हमने इडली खाई थी तो मम्मी ने इडली पैक करके रख दी थी कि ये तुम कल खा लेना, क्योंकि हमें इडली का बहुत शौक है और साउथ इंडियन तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो अभी एक दो दिन खुद हमने खाना बनाना है, खुद हमने चीज़ें करनी है जो भी करनी है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ वैसे तो कि मैं इनको गर्म किस में करूँ, एंड थोड़ा बहुत यार हमें जो आता है आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे, आज हम यूज़ करेंगे।